राधे राधे दोस्तों, मैं बनाऊंगी आलू परवल की सब्जी। तो इनको मैंने धो लिया है, छील लिया है, छील के काट लिया है, और एक प्याज, एक टमाटर और कुछ कलियां लहसुन की, एक इंच अदरक का टुकड़ा और मिर्च। इस तरह से मैं कढ़ाई पर तेल गरम करके इनको पका लूंगी। 1 मिनट प्याज के भुनने के बाद अदरक का टुकड़ा, मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां और टमाटर डालकर हम इसे 5 मिनट ढक्कन लगा के मैं इसे 5 मिनट पका लूंगी। सिम आंच पे ही पकाएंगे हम इसे। इस तरह से ढक्कन लगा लेंगे और अलट पलट लेंगे खूब अच्छी से। और ये देखिए, प्याज, टमाटर, अदरक और मिर्ची हमारी अच्छी से पक चुकी है, जितना हमें पकाना था, 2 मिनट ओनली। और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे। फिर से हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, फिर से इसमें तेल डालेंगे और कटे हुए परवलों को भी मैं इसमें फ्राई करूंगी। कटे हुए परवल फ्राई करेंगे 2 मिनट पर, परवल भी फ्राई होंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसी में हम निकालने के बाद इसी में मैं आलू जो मैंने काट रखे हैं, आलूओं को भी मैं इसमें फ्राई कर लूंगी। आलू भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। इस तरह से मैंने आलू भी फ्राई कर लिए हैं, आलू फ्राई हो चुके हैं। फिर से गैस पर कढ़ाई रखेंगे, तेल डालेंगे और जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च डालकर हम तले हुए परवल और आलू को भी फिर से मिक्स करेंगे इस तरह से। और फिर हमने जो पेस्ट बना रखा था, प्याज, लहसुन, अदरक का मिक्सी में पीसकर मैंने इस तरह का पेस्ट बना दिया था, उस पेस्ट को हम सब्जी में डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, मिक्स कर लिया है। और पकने के अकॉर्डिंग इसमें हम डालेंगे पानी, जितना हमें पकने के लिए पानी चाहिए उतना हम पानी डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, गरम मसाला, देगी मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह डालेंगे हम इसमें। फिर इसे ढक के 2 मिनट सिम आंच में पकाएंगे। ये देखिए, इतनी अच्छी से ये पक रहा है। पकने के बाद हम इसमें हरा धनिया काट कर डाल देंगे। बहुत